प्रदेश की संस्कारधानी इंदौर से जम्मू के बीच सीधी उड़ान सेवा का हुआ शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस अवसर पर कहा कि हिंदुस्तान का ताज आज सीधे हिंदुस्तान के हृदय से जुड़ने जा रहा है। प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राज्य स्तरीय तकनीकी खेल और सांस्कृतिक समारोह नोविजियो 2022 का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम 3 दिवस तक चलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विशिष्ट वास्तुकला के प्रतीक बायसन लाज भवन का किया अवलोकन। भवन के विभिन्न कक्षों में प्रदर्शित जैव विविधता अनूठी और आनंददायी अनुभव कराती है। पचमढ़ी में संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की चिंतन बैठक। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि टीम अच्छी हो तो महान संकल्पों की सिद्धि सहज ही हो जाती है। हम सब मिलकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के स्वप्न को साकार करेंगे। 29 मार्च मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जौलपुर आ रहे हैं। जौलपुर प्रवास के दौरान पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के यहाँ आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे एवं विधायक विनय सक्सेना की सुपुत्री के विवाह में भी शिरकत करेंगे। भोपाल से गिरफ्तार जमाते मुहाजिद्दीन बांग्लादेश के 4 आतंकियों को जेल भेज दिया गया है। आज कड़े सुरक्षा में ATS ने इन 4 को कोर्ट में पेश किया, जहां से इन्हें 8 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कलेक्टर ने CM राज्य स्कूलों के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने जिले के सभी अनुविभाग स्तर पर स्थापित किए जाने वाले CM राज्य स्कूल के संबंध में स्थान एवं जमीन आवंटन को लेकर चर्चा की। सांसद कप के तीसरे दिन का मैच सिवनी मालवा एवं भोपाल की टीम के बीच हुआ। सिवनी मालवा ने 206 रन बनाए, जिसमें भानु की 105 रनों की शतकीय पारी शामिल है। जवाब में भोपाल की टीम 138 रन ही बना सकी। आज का मैच स्थानीय चिकित्सकों की आतिथ्य में संपन्न हुआ। वैश्य महासम्मेलन के युवा जोड़ अभियान की आयोजित हुई बैठक। युवा प्रदेश प्रभारी विकास डागा एवं प्रदेश महामंत्री संदेश जैन ने कहा कि युवाओं को संगठित होकर समाज की प्रगति में योगदान देना होगा। शिक्षक को आत्महत्या के लिए उकसाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को किया गया गिरफ्तार। आंगनवाड़ी भवन के अंदर मिला था शव, आपस में एक दूसरे को जानते थे। मृतक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संपत्ति को लेकर चल रहा था विवाद।